जी अस्सलाम वालेकुम। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, उसके ऊपर कल की पेशी का आप डाटा चेक कर सकते हैं, आप खुद भी जाके। तो वहाँ पे बेल रिजेक्टेड लिखा हुआ है, डिसमिस हो चुकी है इनकी। तो अब जाहिर सी बात है अरेस्ट करके पेश करेंगे, अभी ये छुपा हुआ है, आ जाएगा सामने इंशाल्लाह। कानून से बालातर कोई नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान में रखें। और सब अपने अपने फोरम पे, अपने अपने नज़दीकी जो आपके हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, डिग्री फाइल करें, छोटा केस फाइल करें, लेकिन ज़रूर फाइल करें। ये राजू राकट को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी वीडियो या किसी चीज़ के नीचे कमेंट ऑन करो, तुम्हारा कचरा तुम्हारे ऊपर बहुत सारा आएगा। और तकरीरें और इसका तुम काम देखो कि सिगरेट लगाया हुआ है, वीडियो बना रहा है और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा है। इसको ये बताओ कि दरूद और ये कलाम और ये सारा कुछ सिगरेट के साथ पिया जा सकता है? इतना जहल बंदा है ये राजू राकट। और मैं ये भी बता रहा हूँ साथ में कि बंदे के पास चॉइस होती है, 25 साल के बाद वो कोई एक प्लेटफार्म पकड़ ले, उसमें कामयाबी उसको मिलती है। लेकिन इसने जब ये शुरू किया ना, तो आखिर में लानत और कालक और मुकाला इनके हिस्से में आया है और आएगा। अब इनके साथ इन्हीं के जैसे लोग हैं, बाकी कोई ऐसा बंदा तो है नहीं इनके पास कि जिन लोगों ने जिसको इन्होंने ज़िबा ना किया हो। ज़िबा करने वाला दोबारा दोबारा नहीं फंसते हैं। तो ये अपनी ही दुनिया एक इन्होंने बनाई हुई, गुब्बारे में हवा भर के बस उसी में लगे रहते हैं दाएं बाएं, और अपने आप को ही अच्छा कहते रहते हैं कि जी मलक साहब आप बड़े अच्छे हो, तो दूसरा कहता है जी राजा साहब आप बड़े अच्छे हो। बस अच्छे अच्छे एक दूसरे को कह कह के इन्होंने ये सोचा हुआ है कि रब के नज़र में, अल्लाह की नज़र में और बाकी दुनिया की नज़र में हम बहुत अच्छे हैं। असल में ये राजू राकट और बाकी जो सारे इसके चट्टे बट्टे हैं ना, वो एक ही उसके दो रुख हैं, एक ही मतलब शीशे के दो रुख हैं।